सुवर्णपुर जिला आरक्षी अधीक्षक कार्यालय घेराव सहित एक दाबी पत्र प्रदान कर डुंगुरीपाली ब्लॉक धानबसा ग्रामवासी विगत 14 तारीख दिन धानबसा ग्राम से कुली मेहर समाज एक बैठक चली समय से ही ग्राम बाबुला सांड और तार बापा आसी बैठक लोक मान गाड़ी गुलज करने सहित मारणास्त्र धरी आक्रमण करते कुली मेहर समाज डुंगुरीपाली थाना एतला दि जाता हेले आज पर्यंत दोषी विरुद्ध में कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करान आरक्षी अधीक्षक कार्यालय घेराव करते आगामी दिन में दोषी विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण न करान आंदोलन तीव्रतर हो चेतावनी दे सुवर्णपुर मंटू मंत्रा रिपोर्ट ओडिशा विजन टीवी। काली मेला पुलिस को एक बड़ धरणर सफलता काली मेला थाना अंतर्गत पुलिमेटला जीपीएमपी भी 15 ग्राम निकटर 140 केजी गंजे काली मेला पुलिस जबत करी एक विशेष सूत्र खबर पाई काली मेला आईआईसी को निर्देश क्रम एसआई मालिकेश्वर सबर एमपीबी 15 ग्राम पेट्रोलिंग करुवा समय OD30C4238 नंबर अटो 140 केजी गंजे जबत करते गंजे चित्रगोंडा ठार शिखापल्ली आंध्रा को चलाणा होता जमापड़ चलाणकारी मानी हेले विश्वजित बेपारी एमपीबी 8 दिवांशु सरकार एमबी 50 समीर मंडल एमपीबी 8 बीरन दास एमबी 54 चारि जन को गिरफ करी काली मेला पीएस केस नंबर 148/2019 एनडीपीएस एक्ट केस लगाई गिरफ करी मालकानगिरी जिला काली मेलारु प्रसन्नजीत मंडल का रिपोर्ट ओडिशा विजन टीवी। गजपति जिला मोहना स्थित मेरापल्ली पंचायत केतक ग्राम को मेरापल्ली लुड्रु कुंकुणी के कलामारी एमती मेरापल्ली पंचायत प्रत्येक ग्राम को विधायक श्री दशरथ गमांग परिदर्शन करते प्रथम मेरापल्ली ग्राम को जा लोक गाँवर समस्या संपर्क में आलोचना करते यहाँ लुड्रु कलामेरी गमन पर तुआकुटा ग्राम ठारे पहुंची ग्रामर समस्ते मिलित भाव विधायक स्वागत कर फूलमाला पिंधाई तुआगुड़ा ग्राम समस्त साई को परिदर्शन करते तुआगुड़ा ठारू टुटुगुड़ा पर्यंत अंचल लोक गीतनाच पदयात्रा करते टुटुगुड़ा गुच्छागुड़ा परिदर्शन पर टुटुगुड़ा ग्राम ठारे एक बैठक आयोजन करा बैठक में कुनि कुनि पाने नृत्य परेषण मध्यम विधायक को स्वागत करते तुआगुड़ा टुटुगुड़ा गुच्छागुड़ा समस्त समस्या संपर्क में अवगत कराइले स्कूल घर आरडी रास्ता ग्राम्य जल जोगाण इंदिरा आवास बारद्रक्य भत्ता स्कूल घर आदि रास्ता ग्राम्य जल जोगाण इंदिरा आवास बार्धक्य भत्ता आदि समस्या संपर्क में अवगत कराइले विधायक दासरथी गमांग यार प्रतिश्रुति निश्चय ने भी कही बैठक में मेरापल्ली सरपंच सबिता मालिक एवं दलर समस्त कर्मकर्ता निर्मल कुमार पाल शंकर प्रधान रमेश विजयी दुशासन प्रधान कमल कुमार पाल आसन साहू साबियर प्रधान समेत अन्यान्य अंचलवासी मिलित भाव जोग देते जल संकट दूरीकरण शिक्षार विकास बिल्डिंग नाई बिल्डिंग गृहपुर कुटुगुड़ा गुछाड़ा ठारु लुहाड़ पर्यंत आर डी रास्तापी एडा उपरे आम एमएल महोदय को दृष्टि आकर्षण कलु से भी प्रतिश्रुति देले आउ अफिसर मान को परामर्श करेंगे आउ से निश्चिंत कार्य करेंगे बोल कि आम मान प्रतिश्रुति देले से आम खुशी और आनंद मध्य आम पहाड़ घेरा ग्राम अनेक किसी असुविधा रही तथापि सब तो एट अ टाइम कहीं करदे पार नहीं तेणु अति गुरुतर विषय आमको जहाँ दरकार कहल से चार पाँचटा करेंगे बोली आम आशा कर संगे संगे आमको देखुवा आम स्वर शुणुवा ओडिशावासी प्रशासन दायित्व रखा समस्त मुझोध करुच्ची जे आमर अभाव को आपण मैंने गजपति जिलार प्रशासन समस्त दृष्टि दे आम मर अभाव ए रास्ता बंध शिक्षा स्कूल बिल्डिंग ये सब दृष्टि दे बोली आम विशेष अनुरोध कर गजपति जिला मोहनार विमल कुमार मल्लिक का रिपोर्ट ओडिशा विजन टीवी। आंध्रा को चोराशाल काठ चालन होता बेले एक काठ बोझ पिकअप भ्यान जबत कर जबत शाड़काठर मूल्य प्राय 50,000 टंकार रुद्ध होारणा खेमुंडी देवगिरी रेंजर अधिकारी एम नरसिंह कहते एक घटन पिकअप ड्राइवर समेत 6 जन को गिरफ्त कर दुईट मोबाइल और गोटे मोटरसाइकल जबत कर अभियुक्त मानू आज कोर्ट चालन होेंजर अधिकारी कहते सूचना अनुसार गत काली अपराह्न गुमला गायबारे बारणा खेमुंडी रेंजर अधिकारी पेट्रोलिंग करुवा बेले काठ बोझ पिकअप अटकई
ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଶାଳକାଠର କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗଜପତିରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ପର୍ଶରେ ଚାଷୀ ମୃତ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକର ବଣକାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବାରିଜିଆଣୀ ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ପର୍ଶରେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଗୁରୁବାର ଦିନ ସମୟ ପାଖାପାଖି 10:00 to 10:30 ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ବୁଧବାର ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରୁ ତାର ଛିଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସକାଳେ ଆଜି ଅର୍ଜୁନ ହେମ୍ରମ ତାର ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟୁତରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ପର୍ଶରେ ଅର୍ଜୁନ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଡୁମୁନି ହେମ୍ରମ ଗଣନାକୁ ଲୋକତକ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ। ଘରେ ରୋଜଗାରିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଛୁଆକୁ ଧରି କେମିତି ବାକି ଜୀବନ କାଟିବେ କହି ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ଠାରୁ ମୁଦୁରୁଙ୍ଗାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣାଜନ୍ତ ପାଲିଟିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୁଜି ନେତା ବୋଲାଉଥିବା କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳି ଦେଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଦୁଃଶାସନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।